एशा जंगाइस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की मैथ्स 2 टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। तो इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन सीखने वाले सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो सिमिलर ट्राइंगल्स दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टाइसेस अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स बनाएंगे हम, या तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल बनाना है। लेकिन अगर वर्टाइसिस मतलब क्या, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स, तो ट्राइंगल के तीन कॉर्नर्स होते हैं तो थ्री वर्टाइसिस कहते हैं। सिंगुलर इज वर्टेक्स, प्लूरल इज वर्टाइसिस। तो तीन वर्टाइसिस में से हो सकता है एक वर्टेक्स कॉमन हो, तो अगर कॉमन वर्टेक्स है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और तीनों अलग ही वर्टाइसिस है तो पूरा अलग ही ट्राइंगल है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों तरीके हम सीखेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल सीखेंगे, तो एक पॉइंट दिया सर्कल का, उसको टेंजेंट कैसे बनाना वहां पे वो सीखेंगे, अगर सेंटर यूज करके और सेंटर यूज करे बगैर भी, दोनों तरीके सीखेंगे। तो ये चार टाइप्स में, उसके अलावा पांचवा है कंस्ट्रक्टिंग टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट बाहर दी हुई आउटसाइड द सर्कल, वहां से टेंजेंट कैसे बनाना है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का सिलेबस है। लेट्स रिकॉल में हमारे यहाँ पे हमें क्या क्या ऑलरेडी आना चाहिए, वो लिखा है कि हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आउटसाइड द लाइन, तो ये कैसे बनाना है वो सीखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, अगर ट्राइंगल की साइड्स दी हुई है तो ऐसे ट्राइंगल कैसे बनाना है ये। फिर टू कंस्ट्रक्ट टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें, सिंपल है, हम जब कंस्ट्रक्शन करने वाले तो ऑलरेडी ये सब यूज करेंगे और आपको आ जाएगा। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, है ना, इक्वल पार्ट्स में या गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड करना है ये भी सीखेंगे हम। और टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन एंगल, तो ये 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी सीखा है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे, वरना अभी भी आपका रिकलेक्शन हो जाएगा जब हम सम सॉल्व करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। In the 9th standard, you have carried out the activities of preparing a map of surroundings of your school. तो इस हम जैसे surroundings का map बनाते हैं, construct करते हैं, वैसे triangle एक simple closed figure है, तो triangle construct करना बहुत simple होता है, और हम similar triangles construct करने वाले यहाँ पे। तो एक similar triangles construct करने के लिए क्या करना है हमें, अगर एक दिया हुआ triangle है, जैसे कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, ए बी सी पी क्यू आर, मतलब ए करस्पॉन्ड्स टू पी, बी टू क्यू एंड सी टू आर, ऐसे है ना, क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा जाता है, ए एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, बी टू सी, बी टू क्यू एंड सी टू आर, ऐसे। तो ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइड्स दी हुई है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया है, तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सिंपल हो जाता है। और पी क्यू आर का कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक रेशियो दिया है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल से तो सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले एक रफ फिगर हमें बनाना होता है, ये रफ फिगर हमने यहाँ बनाया है, ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और पी क्यू आर भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए अगर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी है। तो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और ये हमको एक रेशियो दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज 3/2, तो तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल से, तो तीनों रेशियोज 3/2 है, ठीक है। तो अगर हमें एक साइड पता है, जैसे अगर ए बी बी सी ए सी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है हमें, तो एक एक साइड ये पता है, तो हमें पी क्यू ढूंढना है, तो ये रेशियो हम यूज करेंगे, 5.4/PQ इज इक्वल टू 3/2, तो पी क्यू इज 5.4 × 2/3, तो हमें आंसर मिल जाता है पी क्यू क्यू आर और पी आर तीनों, क्योंकि ए बी बी सी और ए सी तीनों दिया हुआ है, वो हमने डाल दिया, तो यहाँ से हम तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की भी ढूंढ सकते हैं। और ट्राइंगल बनाना सिंपल है, जो एक साइड हम बेस में बनाएंगे और बाकी दो साइड्स का मेजरमेंट लेके आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये जब एक्सरसाइज का सम आएगा तो हम ये सॉल्व करेंगे तो और इजीली समझेगा, और दूसरी साइड भी वैसे ही बनाने हम, है ना, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हम इजीली बना सकते हैं। अब देखिए, अब ये दूसरा एक सॉल्व एग्जांपल है अनदर ट्राइंगल बनाने का, जो जिसका एक वर्टेक्स कॉमन है, तो वर्टेक्स कॉमन है वो कैसे बनाना है वो भी देखना है हमें। तो हम उससे पहले ये वर्टेक्स कॉमन वाला क्वेश्चन, जैसे ये आप देख सकते हैं ए बी सी एल एम एन, यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए, प्रैक्टिस सेट 4.1 के चार क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं ए बी सी एल एम एन तीनों अलग अलग पॉइंट्स है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग है, तो ये फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल 1 देखा उस तरह ये करना है, तो इसको हम पहले करके देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ देखियो पी क्यू आर और एल टी आर,
यहाँ पे पी क्यू आर है और यहाँ एल टी आर है। एल और टी तो अलग है लेकिन आर इज अ कॉमन वर्टेक्स, तो ये कॉमन वर्टेक्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉमन वर्टेक्स के साथ करना है तो इसका मेथड अलग है, तो ये हम देखेंगे सेकेंड मेथड सॉल्व एग्जाम्पल का भी और फिर ये क्वेश्चन भी। फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें एबीसी की तीन साइड्स पता है, एलएमएन की भी तीनों साइड्स देख लेंगे हम। तो ये देखिए हम क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल एबीसी की तीन साइड्स पता है, सो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। और ये कंडीशन दिया है एबीसी सिमिलर टू एलएमएन, तो उस हिसाब से हम सिमिलैरिटी का दिया हुआ है। और इवन ये रेशियो, एक रेशियो दिया है बीसी अपॉन एमएन इज 5:4। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन सेम प्रोपोर्शन। तो ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एम। तो ये हमने लिख लिया ए सी अपॉन एल ए या सी ए अपॉन एन एल लिखो, सेम बात है। तो ये हमने लिख लिया। अब ये रेशियो, एक रेशियो इक्वल है तो ये सब रेशियो इक्वल टू दिस। और ए बी बी सी ए सी तीनों की वैल्यूज दी हुई है, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे। तो 5.5 अपॉन एल एम इज 5:4, तो उससे हमें एल एम मिल जाएगा। 6 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5:4, तो हमें एम एन मिल जाएगा। और 4.5 अपॉन एन एल इज 5:4, तो हमें एन एल मिल जाएगा, है ना। तो ये देखिए एल एम इज इक्वल टू 5.5 इंटू 4:5, तो 5 11 जा 55, तो ये 1.1 आया, तो ये 4.4 हो गया मल्टीप्लाई बाय 4, है। सो एल एम मिल गया। फिर सिमिलरली यहाँ से हमने 6 अपॉन एम एन लिया, 6 अपॉन एम एन इज 5:4, तो एम एन इज 6 इंटू 4:5, ठीक है, 24:5, विच इज 5 4 जा 20.8, 40 आ जाएगा, तो 5 8 जा 40, 4.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली 4.5 अपॉन एन एल इज 5:4 लेंगे तो हमें एन एल मिल जाएगा, एन एल इज 4.5 इंटू 4:5, है। सो दैट इज 5 9 जा 45, तो ये 0.9 हो गया। और 9 4 जा 36, 3.6। तो उसकी अभी एल एम एन की भी तीनों साइड मिल गए तो एल एम एन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है उसका स्टेप्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे, या राइट साइड पे ट्राइंगल एल एम एन की जगह रख रहे हैं। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है पर दोनों अलग है, तीनों वर्टाइसेस अलग है। हाँ, और तीन, एक ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड्स हमें दी है, एल एम एन की तीनों साइड्स हमने ढूंढ ली है। तो एबीसी बनाने के लिए जो तीन साइड्स दी है इसमें से सबसे बड़ी साइड है 6 सेंटीमीटर बीसी, तो हम इसे बेस में ले लेंगे, है ना। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बीसी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम शुरू करके 6 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे यहाँ तक। तो ये हमारी लाइन बीसी बन गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें बाकी दो साइड्स लाइंस बनानी है, इसको पहले नाम दे देंगे। ये हो गई साइड बीसी, तो ये पॉइंट है हमारा बी, है ना, और ये है हमारा पॉइंट सी। तो बीसी हो गया, ये 6 सेंटीमीटर है। अब ये पॉइंट बी से हमें बनाना है पॉइंट ए ऊपर आएगा, तो ए भी हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लेंगे कंपस, कंपस लेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। तो ये हम 5.5 सेंटीमीटर का पहले मेजरमेंट लेंगे, ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो गया। फिर ए बी 5.5, तो पॉइंट बी पे ये हम रखेंगे कंपस को एग्जैक्टली, और यहां से एक आर्क बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का। ये हमारा आर्क बनेगा, ये आर्क बना एक। फिर दूसरी साइड है सी ए 4.5 सेंटीमीटर, तो हम अब 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे, है ना। ये अब 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, ये आ गए हम 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। अब हम आर्क बनाएंगे पॉइंट सी से, है ना, ए सी इज 4.5 सेंटीमीटर, तो इससे हम ऐसे आर्क बनाएंगे। अब ये दो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करते वो है हमारा पॉइंट ए, तो इसे हम नाम दे देंगे यहाँ पे पॉइंट ए। अब सिर्फ हमें ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करनी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, और हमारा ट्राइंगल रेडी है। हो गया एक लाइन, और अब दूसरी लाइन बनाएंगे हम, ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर की लाइन, ए सी। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी।
अब हमें नेक्स्ट ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल LMN, जिनकी मेजरमेंट्स हमें पता है। तो ये तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स भी हमने लिख लिए, AB, BC एंड AC। अब हमें बनाना है ट्राइंगल LMN। ट्राइंगल LMN के मेजरमेंट्स हम देख लेते हैं। ये देखिए, बेस है 4.8 mm, फिर 4.4 और 3.6, है ना। तो पहले हम MN बनाएंगे, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने स्केल ली, यहाँ पे हमने शुरू किया, ये 0.02 4.8, है ना। तो ये हमारा लाइन MN बन गई, सेगमेंट MN, इसे हम नाम भी दे देंगे, ये MNN, M एंड दिस इज N, ठीक है, दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना है हमारी बाकी दो साइड्स। तो LM और LN हमें पता है मेजरमेंट, हम उसका आर्क बनाएंगे। तो हम फिर से कंपास लेंगे, LM कितना है देख लेते हैं। ये देखिए 4.4 सेंटीमीटर और एक 3.6। तो ये पहले 4.4 सेंटीमीटर का हम मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, ये कंपास लिया हमने और 4.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है। ये आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। तो पॉइंट M से हम एक आर्क बनाएंगे, हम ये देखिए 4.4 सेंटीमीटर का M, and this is our arc। So this is our arc MN, ये देखिए आर्क M, ये एक आर्क बन गया हमारा। दूसरा आर्क हमें बनाना है पॉइंट L, ये बनाने के लिए LN। तो ये 4.4 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। ये दूसरा आर्क हमें जो बनाना है वो है 3.6 सेंटीमीटर का, ये देखिए। तो अब 3.6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, ये होगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर का आर्क, ये होगा। अब इसे हम लेंगे, पॉइंट N पे रखेंगे और ये हमारा 3.6 सेंटीमीटर का आर्क बनेगा ऐसे। तो ये हो गए हमारे दो आर्क्स। अब हमें पॉइंट L मिल गया। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पॉइंट L, LM, LN जॉइन होगा, मेजरमेंट्स लिख देंगे, तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स बन गए। ये कनेक्ट किया हमने LM और फिर अब हम कनेक्ट करेंगे LN। बस यहाँ पे भी मेजरमेंट्स लिख लिए और हमारे दोनों ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सम्स। यहाँ पे तो सिंपल था, कंस्ट्रक्शन सिंपल था, कैलकुलेट करना था सिर्फ LM, LN और MN, तीनों साइड्स का वैल्यूज हमने निकाला। सेकेंड टाइप है जब एक वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स के सम्स कैसे सॉल्व करने वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, हमने एग्जांपल वन तो हमने कर लिया, है ना, ये था एग्जांपल वन, सॉल्व्ड एग्जांपल भी हमने, प्रैक्टिस सेट का भी एग्जांपल वन कर लिया, यही मेथड से था, सिंपल मेथड, है जब वर्टेक्स अलग है। अब ये कंस्ट्रक्शन के बाद हमें एग्जांपल टू जो देखना है, इनमें एक वर्टेक्स कॉमन है, जैसे यहाँ ट्राइंगल दिया ABC, A'B, C'। तो B वर्टेक्स कॉमन आता है, रेशियो यहाँ पे भी दिया है, सेम वैल्यू दी है रेशियो, लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में एक्चुअली क्या है कि हमें ABC ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट्स नहीं दिए, सिर्फ दो सिमिलर ट्राइंगल्स है और ये रेशियो दिया है। तो हम ABC कुछ भी मेजरमेंट बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ स्टेप्स में भी मेंशनड है कि कंस्ट्रक्ट एनी ट्राइंगल ABC। लेकिन अगर हमारा सम देखेंगे, हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे भी PQR और LTR सेकेंड क्वेश्चन जो है, हमें एक वर्टेक्स कॉमन है, R वर्टेक्स दोनों में कॉमन है, वन वर्टेक्स इज कॉमन। तो यहाँ पे एक्चुअली PQR के मेजरमेंट्स दिए हैं और रेशियो भी दिया है, तो यहाँ हम एनी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, जो रेशियो साइड्स दिए है वो ट्राइंगल हम पूरा बनाएंगे, फिर LTR उससे कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो आगे के स्टेप सेम है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्ट एनी ट्राइंगल नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट की। फिर क्या करना है, अभी हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक रेशियो दिया है, रेशियो क्या है ये देखिए क्वेश्चन है, AB/A'B इज 5/3 और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो हर साइड का रेशियो इक्वल होगा, ये जो हमने लिखा है AB/A'B इज BC/BC' इक्वल्स टू AC/A'C', तीनों 5/3,
अब हमने अगर बी वर्टेक्स कॉमन है तो बी सी बेस में जो लिया है हमने, तो हमें बी सी पता है, तो बी सी डैश कितना होगा, वो भी यही है 5/3 के रेशियो में दोनों, है ना। अगर ए बी अपॉन ए डैश भी हो तो बी सी अपॉन बी सी डैश भी यही रेशियो में। तो अगर बी सी को हम 5 पार्ट्स में करेंगे, अगर बी सी इज 5 देन बी सी डैश इज 3, तो अगर ये 5 पार्ट्स हो गए तो इसके थर्ड पार्ट पे ये पॉइंट पे सी डैश आ जाएगा, है ना। और ये सिमिलर ट्राइंगल से, मतलब ए सी से पैरेलल एक लाइन बनाएंगे हम ए डैश सी, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं, देखो डिवाइड सेगमेंट बी सी इन 5 इक्वल पार्ट्स, अगर ये रेशियो 3/5 है तो ये पॉइंट सी डैश का आएगा थर्ड पार्ट पे, ना थर्ड पार्ट इज पॉइंट सी डैश। फिर क्या करना है, लाइन पैरेलल टू ए सी बनाना है जो हमने बात की थ्रू सी डैश, और ये ए डैश होगा, तो ये ट्राइंगल बन गया। ये स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन के। अब ये कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन में हम कैसे करेंगे इसको, वो हम देखेंगे। ये बी सी का हमें मेजरमेंट दिया होगा, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो उसके स्टेप्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर हमने एबीसी ट्राइंगल ऑलरेडी बना लिया है, हमें ये 5 इक्वल पार्ट्स चाहिए, तो ये हम डायरेक्टली स्केल से नहीं कर पाएंगे इक्वल मेजरमेंट ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे, रे बी से एक रे बनाएंगे, एक अक्यूट एंगल पे आप नीचे एक रे बनाइए, कोई भी एंगल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी एनी एंगल। और ये रे को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स बनेगी, बी वन नाम दो, जनरली हम ऐसे बात करते हैं, बी है तो ये बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव ऐसे नाम देते हैं, कैसे भी आप नाम दे सकते हैं, तो ऐसे करके नाम आएंगे। तो ये रे है, हमने कंपस लिया, कंपस बी पे रखा, और एक मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट नहीं, छोटा सा एक मेजरमेंट आप लो, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि 1 लो या 1.5 सेंटीमीटर, आप कुछ भी अंदर से कैसे भी ले लो, कुछ भी मेजर, बिना मेजर बिना रूलर यूज के आप कंपस से एक छोटा आर्क ले लो, और वही आर्क, मतलब बी से हम एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा T1, B1 या T1 जो भी नाम दो। फिर ये पॉइंट पे रख के वही मेजरमेंट से और एक आर्क बनाएंगे, तो इक्वल मेजरमेंट आएगा ना ये, तो ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट, तो 3, 4, 5 ऐसे 5 पॉइंट्स बनेगी। तो ये रे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब क्या करना है, अब ये लास्ट पार्ट 5th पॉइंट को सी से कनेक्ट कर लेना है, और फिर ये लाइंस जो है ये पैरेलल लाइंस बनेगी। तो अब हमें कहाँ लाइन बनानी है, हमें 3rd पॉइंट से लाइन बनानी है, तो इससे पैरेलल ये लाइन हमें ऑलरेडी कनेक्ट करके बन गई, हमें ये बाकी अंदर की पॉइंट्स एक्चुअली नहीं पता है, तो ये 3rd पॉइंट से हमें जब पॉइंट बनानी है, तो ये एक लाइन पैरेलल टू दिस बनाना है। तो अगर एक लाइन दी है, उसको एक पैरेलल लाइन कैसे बनाना है, उसके स्टेप्स होते हैं, वो हमें आना चाहिए। तो अगर ये पैरेलल लाइन बन गई, तो हमें सी डैश पॉइंट मिल गया। फिर ये ए सी से एक पैरेलल लाइन अगर हमने यहाँ बना दी, पैरेलल लाइन बनाने को हमें आ गई, तो हमें यहाँ ए डैश भी मिल जाएगा, और हमारा कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम हमारा सम ही सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 4.1 का सेकेंड सम, उसमें हम समझेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ दो ट्राइंगल्स ये सिमिलर है, पी क्यू आर एल टी आर, आर इज द कॉमन वर्टेक्स, और इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी है, तो पी क्यू आर तो आराम से बन जाएगा। एल टी आर बनाने के लिए पी क्यू अपॉन एल टी रेशियो दिया है 3/4। तब आप बोलोगे ये फर्स्ट स्टेप जैसा ही सिंपल हम कर सकते हैं, मेजरमेंट्स कैलकुलेशंस करके हम बना ले, लेकिन हमारा जो मेथड है, वो जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेथड दिया गया है, वो ये है कि हम मेजरमेंट लेके ना करें। अगर वर्टाइसेस अलग है तो मेजरमेंट लेके करें, लेकिन अगर वर्टाइस कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है एक, तो उसका मेथड पूरा अलग है, और यही मेथड से हमें सॉल्व करना है जो हमने देखा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। यहाँ पे 3/4 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे एल टी को, जो भी बेस होगा उसको। तो ये देखिए, पहले तो हमें पी क्यू आर बनाना है, बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पी क्यू क्यू आर पी आर तीनों साइड दिए, तो पी क्यू आर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। और एल टी आर के लिए क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो रेशियोज इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सारे रेशियोज इक्वल होंगे। एक रेशियो दिया है हमें पी क्यू अपॉन एल टी, सो दैट इज इक्वल टू, ऑल रेशियोज आर इक्वल टू 3/4, है ना, अगर पी क्यू अपॉन एल टी 3/4 है। आर कॉमन वर्टेक्स है, है ना, तो आर कॉमन वर्टेक्स है, तो हम कैसे ले रहे हैं, क्यू आर और टी आर जैसे है, तो हम अगर लेंथ लेंगे, एक कोई एक साइड की लेंथ लेंगे, तो वो हम देख रहे 3/4, तो मतलब जो हमारा ट्राइंगल बनेगा पी क्यू आर तो इजिली बन जाएगा, एल टी आर एक्चुअली उससे बड़ा ट्राइंगल होगा, क्योंकि 3 पार्ट्स है, तो ये 4 पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है, है ना, सो दैट विल बी 4 पार्ट्स। तो वही है, लेंथ ऑफ साइड क्यू आर इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ साइड टी आर। तो अब हमारा ये ट्राइंगल जो बनेगा, ये देखिए एलिमेंट पी क्यू आर, तो हम बना लेंगे पी क्यू आर, और ये एल टी आर बड़ा ट्राइंगल बनेगा। ये जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, उसके लिए हमने ये रे लिया यहाँ से, आर इज द कॉमन वर्टेक्स, तो आर वर्टेक्स हमें ये यहाँ पे चाहिए, इस पोजिशन पे चाहिए, है ना। तो ये देखिए, तो पी क्यू आर में भी सबसे बड़ी साइड
QR 5.4 है, उसको आर क्यू को हमने यहाँ लिया, आर को यहाँ लेना है, क्यू आर नहीं लिखेंगे हम, आर हमारा कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स को आप लेफ्ट साइड पे रखो तो कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाता है। तो ये आर क्यू करके हमने रे बनाया, ये सेगमेंट बनाए और फिर बड़ा रे बना लिया क्योंकि हमको आगे यहाँ पॉइंट टी भी चाहिए क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल ऐसे आने वाला है। ठीक है, तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे किया है हमने। सबसे पहले हम साइड क्यू आर बनाएंगे, बेस 5.4 सेंटीमीटर, ये हमारा 5.4 सेंटीमीटर है ना, तो ये हमारा बेस बना क्यू आर। अब एक पॉइंट हमेशा हमें याद रखनी है, जब कॉमन वर्टेक्स है तो जो कॉमन वर्टेक्स है हमारा आर, वो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो हमारा सम में गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा दिक्कत होगी सम सॉल्व करने में हमें। तो ये आर है और ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा इजी हो जाता है अगर वर्टेक्स ये पॉइंट पे है। तो ये क्यू आर बन गया हमारा, ये है 5.4 सेंटीमीटर। अब हम बनाएंगे हमारे बाकी दो आर्क्स पी क्यू और पी आर के, 4.2 और 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने कंपस लिया और अब हम लेंगे क्यू आर है ना, यहाँ क्यू आर तो बन गया, पी आर है, पी आर 4.8, सो आर पॉइंट से हम 4.8 लेंगे, तो यहाँ से हम 4.8 का मेजरमेंट लेंगे इससे, ये आ गया हमारा 4.8 का मेजरमेंट और इसको हम आर से यहाँ रखेंगे तो पी आर 4.8 हमें मिलेगा, यहाँ से हम इसे रोटेट करेंगे, ये आर्क जो हमारा बनेगा वो हमें बनाना है, ये आर्क। तो ये 4.8 सेंटीमीटर का हो गया आर्क। अब हमें नेक्स्ट आर्क जो बनाना है वो है फॉर पी क्यू 4.2 सेंटीमीटर। तो ये पी क्यू का आर्क हम बनाएंगे और मेजरमेंट लेंगे 4.2 सेंटीमीटर का, फिर उसे 4.2 सेंटीमीटर, ये आया हमारा 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट, एग्जैक्टली 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हम ये पॉइंट क्यू पे रखेंगे हमारा कंपास और इसे रोटेट करेंगे, तो ये हमारा आर्क बनेगा, जो ये आर्क हमें बनाना है। तो ये दोनों आर्क्स 4.8 और 4.2 सेंटीमीटर जहाँ मिलते हैं, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट पी, इसे नाम दे देंगे और पी आर क्यू पी क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो पॉइंट्स पी एंड आर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा पी आर 4.8 सेंटीमीटर, ये बन गया। और अब हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स क्यू एंड पी को, पी क्यू विच इज 4.2 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मेजरमेंट्स भी हमने लिख लिया। अब हमें आर से एक्चुअली एक रे बनानी है, रे विच विल एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट आर ऐसे, तो ये एंगल कोई भी एंगल पे हम बना सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, कैसे भी हमने स्केल को थोड़ा आड़ा घुमाया और हमने ये लाइन बना ली, ऐसे कोई पर्टिकुलर एंगल पे नहीं बनाना है, कोई पर्टिकुलर लंबाई का भी नहीं बनाना है, सिर्फ एक रे एक्सटेंड कर दी हमने। ठीक है, ये हमने एक रे यहाँ से एक्सटेंड की, रे मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट कुछ नहीं है, यहाँ पे एरो आएगा ये, है ना। तो ये रे जो हमने बनाया, तो अब यहाँ पे इस रे को हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमारा रेशियो क्या है 3/4, तो चार पार्ट्स इसके हो गए, आर क्यू के चार पार्ट्स करेंगे हम, तो पी क्यू आर क्यू सब सेम है ना, कि 3 पार्ट्स यहाँ पे क्यू पे आएगा, फोर्थ पार्ट जो होगा वो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा एल टी आर, तो यहाँ क्यू आर के साथ ये आएगा टी आर, है ना, तो टी पॉइंट यहाँ पे आने वाली है, है ना, एल ऊपर आई है, एल टी आर ऐसे, पी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट L है, Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट T और R is common। तो हमें क्योंकि LTR बड़ा ट्राइंगल है, इसलिए हमें ये RQ को भी एक्सटेंड करना होगा, तो इसको भी हम एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए, तो विल एक्सटेंड रे RQ आल्सो स्ट्रेट लाइन में ऐसे, इसे भी हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हम कंपास लेंगे और हमें इस रे को जो ये हमने स्लैंटिंग लाइन बनाया उसे चार पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा रेशियो 3/4 है, तो 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स, मैक्सिमम 4 पार्ट्स है, तो इसे हम सिर्फ थोड़ा सा खोलेंगे
ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, कुछ हम मेजरमेंट लेके नहीं कर रहे, ये भी कोई मेजरमेंट लेके हमने कोई एंगल लेके ये रे नहीं बनाया, ऐसे ही बस एक रे बना दिया और ऐसे ही बस अब हम ये मेजरमेंट, जो मेजरमेंट हम एक बार लिया वो सेम कंटिन्यू करना है, कोई मेजरमेंट स्पेसिफिक नहीं है। ये देखिए इससे हम यहाँ आग बनाएंगे, ये तो ये हमारा रे को एक आग बना हमने बनाया। अब ये कंपास को उठा के यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये रे को ये आग इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से और एक आग बनाएंगे, ये दो बन गए। अब तीसरा आग बनाएंगे ये पॉइंट से, अब हम यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया यहाँ से ये तीसरा आग बन गया। फिर यहाँ पे कंपास रख के अब ये चौथा आग बनाएंगे, लास्ट आग, तो ये हमारे चार आग्स बन गए, है ना। अब हमें जो करना है ना, अब हमें क्या करना है, अब ये चार पॉइंट्स हमें मिल गए, तो जो हमारा क्यू पॉइंट है, आर क्यू है, पी क्यू आर क्यू सब थ्री पार्ट्स है, और नीचे वाला जो ट्राइंगल एल टी एल आर जो है ये चार पार्ट्स है, तो तीन पार्ट्स पे ये क्यू है, मतलब क्यू का अगर हमें तीन पार्ट्स करना है तो ये लाइन हम अगर कनेक्ट कर लेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, इससे पैरेलल लाइन बनाएंगे सारी, तो ये तीन पार्ट्स में हो जाएगा। तो हम क्यू और ये थर्ड पार्ट, इसके भी हमें नाम देना, ये आर है तो R1, R2, R3, R4 ऐसे हम नाम दे देंगे, और अब Q और R3 को हम कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये थ्री पार्ट्स हो गया। तो अब ये लाइन जो है इससे पैरेलल जो लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे फ्रॉम R4 अ पैरेलल लाइन टचिंग रे RQ, ये जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा हमारा पॉइंट T, तो TR है ना, LTR, तो ये PQR है LTR, सो P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट L, Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट T, और फिर ये R कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ T हमें मिलेगा, एक पैरेलल लाइन बनानी है। अब पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन क्या है ये हमें पता होना चाहिए, सो वी विल सी हाउ अ पैरेलल लाइन इज कंस्ट्रक्टेड। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट क्या है कि ये पैरेलल लाइन है, अगर ये लाइन एक लाइन है, इस एंगल जो हमारा यहाँ पे एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल और यहाँ से अगर लाइन बनेगा तो ये एंगल सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल हमें यहाँ रेप्लीकेट करना है। तो एंगल हम प्रोट्रैक्टर से मेजर करके एंगल नहीं लेंगे, हम कंपास ही यूज करेंगे क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होता, तो कंपास यूज करेंगे हम। ये देखिए कंपास यूज किया हमने, इस पॉइंट R3 पे रखा, और अब ये कंपास से हम एक आर्क बनाएंगे, कैसा, ये देखिए इस पॉइंट से एक आर्क बनेगा, ये देखिए ऐसा एक आर्क बनाएंगे हम पूरा, ये पूरा एक एंगल बनना चाहिए पूरा, ठीक है, ये आर्क बन गया। अब हम कंपास को लेंगे इस पॉइंट पे, और कितना ये आर्क कितना बना ये मेजरमेंट हम लेंगे, ठीक है। तो ये पहले तो हम ये सेम आर्क यहाँ पे R4 से भी बना लेंगे, कोई मेजरमेंट नहीं था वो, हमने सिर्फ ऐसे ही एक एंगल मेजरमेंट लिया और एक आर्क बना लिया, सेम आर्क यहाँ पे भी उतना ही बनाया। अब ये हम दूसरा मेजरमेंट क्या लेंगे यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पैरेलल लाइन बनाने को, ये हमें देखना है। ये देखिए अब इसे हमने इसका, ये जो हमारी पेंसिल है हम इसको यहाँ क्यू, यहाँ ये पॉइंट पर लेके जाएंगे, क्यू भी नहीं है, क्यू पॉइंट ऊपर है, यहाँ लेके जाएंगे। देखिए इसको ओपन करेंगे ये पॉइंट तक, ये जितना मेजरमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे ये आएगा हमारा मेजरमेंट, ये मेजरमेंट, ये हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट आया, ये जितना एंगल आ रहा है कंपास में, कोई मेजरमेंट कुछ हमको स्केल से नहीं करना है, बस ये कंपास से ही करना है, ये जो मेजरमेंट आया वही मेजरमेंट अब हम यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे या हम ये मेजरमेंट का आर्क बनाएंगे, है ना। तो ये जो पॉइंट है दिस इज अ पॉइंट पैरेलल टू QR, ऐसे, तो ये दो पॉइंट्स, मतलब ये देखिए यहाँ पे भी आर्क चाहिए तो हम बना लेते, ये वही है जहाँ पे क्यू आता है, ये जहाँ पे ये पॉइंट आता है, ये जितना आर्क है वही इतना आर्क ये भी है, तो R4 से R3 से जैसे ये पॉइंट से पास होके क्यू को टच कर रही है ना, ये लाइन पे तीन कोलिनियर पॉइंट है, R3 पॉइंट क्यू और ये बीच की, ये बीच की पॉइंट हमने यहाँ रेप्लीकेट की, R4 और ये बीच की पॉइंट, इससे एक लाइन बनाएंगे वो जहाँ टच करेगी वो पॉइंट टी होगी। तो ये पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने का ये मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार समझ में आ गया तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेट 4.1 बहुत ईजी है, सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम स्केल लेंगे और ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे कहाँ टच होता है, ये देखिए ये हमारा लाइन टच होगा,
तो ये हमें मिल गया हमारा पॉइंट टी, दिस इज अ पॉइंट टी, तो टी आर तो बन गया। अब टी से एक पैरेलल लाइन यहाँ हमें बनानी है, पी क्यू को पैरेलल एक लाइन, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना ये एंगल है उतना एंगल हमें यहाँ रेप्लीकेट करना है, तो वही तरीका है। तो पहले तो ये पी आर लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं हम। अब हमने ये रे पी आर एक्सटेंड किया, ठीक है, अब हम ये पैरेलल लाइन बनाना है, हमें पी क्यू से पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो उसके लिए हम सेम पैरेलल लाइन बनाने का सेम मेथड है वो हम यूज करेंगे। ये क्यू पॉइंट पे हम कंपास रख के एक एंगल बनाएंगे, ये देखिए ये कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, हम एक आग बनाएंगे, ये एंगल हमने लिया ये। तो सिमिलरली ये सेम मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है कोई भी मेजरमेंट हो, लेकिन सेम मेजरमेंट अब हम पॉइंट टी से भी रेप्लीकेट करेंगे, यहाँ से भी हम ऐसा आग बनाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपास को यहाँ रखना है, और ये आग जो हमारा एंगल बना है, जो ये एंगल कितना बना है, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल यहाँ रेप्लीकेट करना है, तो जो पॉइंट मिलेगी वहां से हम जब कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल लाइन आएगी, है ना। तो ये देखिए, ये इसको हमने मेजरमेंट किया, सही मेजरमेंट, ये हमारा जो आर्क बना, ये सेम आर्क अभी हमें रेप्लीकेट करना है यहाँ से, ये पॉइंट से, तो ये भी सेम एंगल बनना चाहिए, यहाँ पे हम ये सेम आर्क रेप्लीकेट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, अब ये टी पॉइंट अलोंग विद दिस पॉइंट शुड बी एक्सटेंडेड टू रे पी आर, तो वो हम करेंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट बन गया ए, तो अब हमारा ये एल टी आर ट्राइंगल भी बन गया और हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। ये हम मेजरमेंट्स चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो से एक्चुअल वैल्यूज भी पता चल जाएगी कि एल आर आर टी और एल टी कितना होना चाहिए, एल टी आर के हर साइड क्या होना चाहिए। जैसे हमने सम नंबर वन में कैलकुलेशन किया था मेजरमेंट्स का, तो आप देखोगे तो 4.8 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें आएगा 5.6.4, तो ये एग्जैक्टली देखिए 6.4 मेजरमेंट का ये बना है, ये 7.2 है, ये देखिए यहाँ पे भी हम देखेंगे ये मेजरमेंट, तो 5.4 का ही आना चाहिए यहाँ पे 7.2, आर क्यू अगर 5.4 है तो इंटू 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम 5.4 का, तो ये 7.2 आता है। सिमिलरली ये साइड भी, तो हम मेजरमेंट्स करके भी देख सकते, चेक कर सकते कि हमारा सही से बना है या नहीं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, पी क्यू आर ट्राइंगल भी बन गया और एल टी आर ट्राइंगल भी बन गया विद कॉमन वर्टेक्स आर। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट टू सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1। नेक्स्ट टू सम सिमिलर ही है, वन नंबर से सिमिलर थर्ड सम है और सेकेंड से सिमिलर फोर्थ सम है, इसे हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।